शादी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ इन दिनों अपनी फिल्म फोन बूथ के प्रमोशन में काफी बिजी है। ये फिल्म 4 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में एक्टर ईशान खट्टर के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी भी नजर आएंगे। हाल ही में कटरीना कैफ फिल्म के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा के शो पर पहुंची। यहां कटरीना ने शादी के बाद अपनी डाइट प्लान के बारे में काफी सारी बातें की हैं। इसके साथ ही ये भी बताया कि आखिर उनकी सासू माँ यानी कि विकी कौशल की माँ किस तरीके से उनका ख्याल रखती हैं। कटरीना कैफ ने कपिल शर्मा की शो पर बताया कि किस तरीके से उनकी सास जो है उन्हें खाने के लिए पराठे देती हैं और उन्हें मजबूर करती हैं, लेकिन डाइटिंग की वजह से उन्हें इनकार करना पड़ता है। दरअसल द कपिल शर्मा शो पर जब कपिल ने कटरीना से पूछा कि क्या शादी के बाद उनकी डाइट में कुछ चेंजेस आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, शादी के बाद उन्हें काफी भारी नाश्ता करना पड़ता है, लेकिन अपनी फिटनेस की वजह से उन्हें मना भी करना पड़ता है। कटरीना ने बताया कि शुरुआत में मम्मी जी मुझे पराठे खाने के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती थी, और चूंकि मैं डाइट पर थी इसलिए मैं उसे खा नहीं सकती थी। मैं तो बस पराठे का एक टुकड़ा काट लेती थी। अब जब हमारी शादी को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है तो ऐसे में मम्मी जी मेरे लिए शकरकंद बनाती है। जी हाँ दोस्तों, कटरीना कैफ ने अपनी शादी को लेकर और अपनी सासू माँ को लेकर काफी सारी बातें की हैं कपिल शर्मा के शो पर, और इसके साथ ही बताया है कि शादी के बाद उनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से घर वाले उनका ख्याल रखते हैं, और खासकर विकी कौशल किस तरीके से अपनी बीवी को हमेशा पैम्पर करते हुए नजर आते हैं। शो के दौरान कटरीना ने ये भी बताया कि घर में सभी लोग यानी कि उनके ससुराल वाले उन्हें प्यार से क्या कहकर पुकारते हैं। उन्होंने बताया कि शादी के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, सब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे ससुराल वाले घर पर मुझे प्यार से किट्टो बुलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कटरीना कैफ को उनके घर वाले किट्टो कहकर बुलाते हैं, और इसके साथ ही उनकी सासू माँ तो उन पर जान तक लुटाती हैं। कटरीना कैफ ने कपिल शर्मा के शो पर शादी के बाद के चेंजेस के बारे में बहुत सारी बातें की, और इसके साथ ही विकी कौशल और उनके फैमिली की भी जमकर तारीफें की हैं। आपको बता दें, विकी कौशल कटरीना कैफ की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक है। शादी के बाद कटरीना की पहली फिल्म फोन बूथ रिलीज होने वाली है। हाल ही में शादी के बाद विकी और कटरीना की पहली दिवाली की फोटोज भी काफी वायरल हुई। इन फोटोज को देखने के बाद फैंस ने दोनों की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ भी की है। कटरीना कैफ शादी के बाद विकी कौशल के साथ काफी खुश है, और ये सब कुछ उनके चेहरे पर नजर भी आता है। कपिल शर्मा शो पर जिस तरीके से कटरीना कैफ अपने ससुराल वालों के बारे में और इसके साथ ही विकी कौशल की तारीफ करती नजर आ रही है, उसके बाद ये तो साफ है कि कटरीना काफी खुश है शादी करके विकी कौशल से, और उनका जो डिसीजन था विकी कौशल से शादी करने का वो एकदम सही था। फिलहाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि कटरीना जिस तरीके से ससुराल वालों की तारीफ करती नजर आई है उस पर क्या कुछ कहना है आपका। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।